लवली, ब्यूटीफुल, लवली। ब्यूटीफुल मीन्स लवली बेटा, जो ब्यूटीफुल होता है हम उसको बोलते हैं। इंटेलिजेंट, प्रनीत बेटा 2 मिनट, जो ब्यूटीफुल होता है वो क्या होता है? सुंदर। सुंदर चीजों को हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो इसका कीवर्ड क्या होगा? लवली। आप ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो किसी चीज के लिए, और क्या बोल सकते हो? लवली। लवली, वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। इंटेलिजेंट, यस, शाबाश। तो हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट है, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये स्मार्ट बच्चा है। आप सभी बच्चे क्या हो? स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, है ना? यस और नो? वेरी गुड, यू आर ऑल इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ओके, ठीक है बेटा। तो इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, स्मार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, सुन रहे हो सभी स्टूडेंट्स मैं ध्यान से? मैम हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। डिस्पॉइंटेड, बेटा स्पेलिंग बोलना प्रनीत। डी तो बेटा इसका होता है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, ठीक है? डिस बोलना है पहले, फिर अपॉइंट। अ पॉइंट, पॉइंट नहीं बोलते हम बोलते हैं ये पॉइंट है इस चीज का, है ना? वैसे तो आप इसको डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट मींस क्या होता है? निराश हो जाना, अपसेट, दुखी हो जाना, अपसेट। वेरी गुड, जो अपसेट हो जाता है, सैड हो जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि मैं हमारे स्कूल में छुट्टियां हो गई तो हम क्या हो गए? अपसेट हो गए। ठीक है, हमें स्कूल नहीं, हमें स्कूल जाना था, हम हैप्पी थे तब, है ना? कि अभी हमारे स्कूल बंद है तो हम क्या हो गए? अपसेट हो गए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट है बेटा जिनका मैं नाम लूंगी अभी, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कीवर्ड्स। हुसनप्रीत कौर, बेटा अनम्यूट करो हुसनप्रीत। हाँ जी, ये वाला दोबारा पढ़ो बेटा। इंग्लिश का हाँ जी बेटा, मैं इंग्लिश का ही करवा रही हूँ आप सभी को। बेटा है? ब्यूटीफुल, हाँ जी, लवली, शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा। बेटा स्पेलिंग पढ़ दो आप, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है ना तो स्पेलिंग पढ़ के बता सकते हो क्या है। INTELLIGENT, वेरी गुड, इन, मेरे पीछे पीछे बोलो, इन टैली, टैली जेंट, ग्रेट, इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजेंट। आप प्रैक्टिस करके देखना बेटा घर पे इसको, ठीक है? इंटेलिजेंट क्या होता है? स्मार्ट। हाँ स्मार्ट, जी, नेक्स्ट, अगला बोलो बेटा, अगला बोलो। हुसनप्रीत, बेटा आपने प्रैक्टिस किया करो घर पे, आपको दिक्कत आती है प्रोनाउंसिएशन करने में वर्ड्स की, तो आप ध्यान से अभी सभी बच्चों को आपने सुनना है बैठ के, ठीक है? मैं किसी और बच्चे से पूछती हूँ, आपने सुनना है ध्यान से, फिर मैं बाद में आपसे पूछूंगी, ठीक है? इशिता कुमारी, बेटा अनम्यूट करो। ब्यूटीफुल, लवली, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डिसअपॉइंटेड, अपसेट, एंग्री, हेल्पर,
delicious, tasty, gastric, singles, wisdom, wish. बेटा लास्ट बोलना विजडम थोड़ा स्लो wisdom. स्पेलिंग बोलो बेटा WISTOM विजडम हाँ जी विजडम का क्या होता है विश WISH विश नो बेटा ध्यान से पढ़ो आप विजडम का आंसर क्या है कीवर्ड मैम उसमें तो विश है विश नहीं बेटा WISE ऐसा है ना मैम नो हमारे में WISH है नहीं बेटा आपने ना रॉन्ग लिख लिया आई थिंक परनीत बेटा आप प्रोनाउंस करना इसको अनम्यूट करो परनीत इंटेलिजेंट स्मार्ट नेक्स्ट मैम विश हाँ जी आगे उसका कीवर्ड बेटा कीवर्ड्स आगे बोलो प्रनीत विश ओके नेक्स्ट मैम स्पेलिंग बोल S A C R E D scared होता है डर जाना scared क्या होता है डर जाना हाँ जी आगे बेटा इसका कीवर्ड क्या है O L वाली रिपीट कर बेटा रिपीट O L Y होली होली ठीक है बेटा हाँ जी नेक्स्ट IEND इंड हाँ जी टेक CARE कारी केयर ऑफ हाँ जी केयर ऑफ ठीक है PLAN प्लेन PLAN हाँ जी IDEA PLAN प्लान PLAN प्लान है बेटा उसका होता है आइडिया जैसे आपने बोला कि हमारा इतने दिनों का ये प्लान है हमने इस दिन शॉपिंग करने जाना है इस दिन ये करना है तो वो हमारे प्लान्स होते हैं प्लान्स मींस आइडिया किसी भी बात को करने के लिए जो हम पहले सोच लेते हैं कि ये मैंने ये करना है ठीक है बेटा नेक्स्ट नमस्ते हाँ जी नेक्स्ट मैम क्वेश्चन आंसर हाँ जी ओके हम क्वेश्चन आंसर किसी और बच्चे से करवाते हैं बेटा थैंक यू एकमवीर बेटा अनम्यूट करो मैम कर दिया हाँ जी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट आंसर रीड करो हम उसको जो है डिस्कस करेंगे कल आपका उसका ऑरल टेस्ट भी लेंगे ठीक है मैम ओके हाँ जी व्हाट डिड Who was Kalidas? Who was Kalidas? Hanji. Kalidas was the. Hanji. Poet of King Vikram Aditya of Ewing. Okay.
कालिदास वाज अ पोइट ऑफ किंग विक्रमादित्य, है ना, ऐसे ही है ना बेटा, कालिदास वाज अ पोइट ऑफ किंग विक्रमादित्य। ठीक है बेटा, जो कालिदास था ना वो एक पोइट था। पोइट क्या करते हैं बच्चे, पोइट जो पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, पोइम्स नहीं, आप पोइम्स गाते हो जैसे, है ना, छोटे आप छोटी क्लास में होते हो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बोलना सीखते हो, आप कुछ ना कुछ गुनगुनाते हो या फिर स्कूल में जाके पोइम्स सीखते हो, तो वो छोटी पोइम्स होती हैं। बट जो पोइट होते हैं ना वो लंबी पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, उसके गाने भी बन जाते हैं। तो पोइट क्या होते हैं, जो राइटिंग करते हैं, ठीक है, उससे पोइम्स बन जाती है, ठीक है, कई बड़ी होती है कई छोटी होती है। हाँ जी बेटा आगे पढ़ो इसको। मैम सेकंड क्वेश्चन। ओके बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, हम किसी और को मौका देते हैं। पुष्पिंदर सिंह, पुष्पिंदर बेटा माइक्रोफोन पे की जो ऑप्शन आपके फोन पे उसको टच करो, आपका जो है म्यूट की ऑप्शन, माइक्रोफोन नहीं शो हो रहा मेरे पास। तनवीर कौर, तनवीर कौर अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी बेटा सेकंड क्वेश्चन बोलो बेटा। तनवीर कैन यू हेयर मी, हुसनप्रीत, नेक्स्ट इज हरसीरत, हरसीरत बेटा अनम्यूट करो आपके फोन की स्क्रीन पे। यस वेरी गुड हुसनप्रीत, सेकंड क्वेश्चन रीड करो बेटा और आंसर। सेकंड क्वेश्चन एंड उसका आंसर है जो वो आपने रीड करना है। वेयर आर यू हरसीरत, आपने फिर से म्यूट कर दिया बेटा। हाँ जी हरसीरत सेकंड क्वेश्चन बोलो बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम यस। हाँ जी बच्चे तो बोलिए। इन विच लैंग्वेज कालिदास रोट मैनी प्लेस एंड पोइम्स? कालिदास रोट मैनी प्लेस एंड पोइम्स इन संस्कृत लैंग्वेज। शाबाश, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, वेरी गुड बेटा। देखो आप जब स्टडी करते हो ना तो आपको सभी चीजों की प्रोनाउंसिएशन है जो अच्छे से आनी चाहिए कि किस शब्द को कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा, भाषा समझते हो ना, हम कभी इंग्लिश बोल लेते हैं, कभी हिंदी में बात करते हैं, कभी पंजाबी में बात करते हैं, तो ये सभी क्या होती हैं, भाषाएं, लैंग्वेज, इनको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में कालिदास ने प्लेज लिखे थे? प्ले पता है क्या होता है बेटा आपको, किस बच्चे को पता है कि प्ले क्या होता है? एक तो प्ले खेलना होता है, जैसे आप कुछ भी गेम खेलते हो। एक दूसरा प्ले कौन सा होता है पता है किसी को? पुष्पिंदर, ओके पुष्पिंदर बताओ क्या होता है बेटा प्ले, अनम्यूट करो। क्या होता है बेटा प्ले? प्ले में खेलना। नो बेटा, वो तो मैंने आपको बता दिया, खेलना नहीं होता, कुछ और होता है। पता है किसी को खेलने के अलावा क्या क्या होता है प्ले का मतलब?
ओके मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। प्ले का मतलब होता है कि एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वो प्ले बन जाता है। ठीक है, तो कालिदास ने जो थे प्ले लिखे थे, पोएट्री लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी बेटा उसने? संस्कृत। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? संस्कृत। वेरी गुड। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने क्या करना है, कल का होमवर्क क्या है आपका? आपने अच्छे से कीवर्ड्स लर्न करने हैं। क्या करने हैं? कीवर्ड्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 के, वो लर्न करने हैं। ठीक है, राइट करके भी देखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लर्न हो गए, उसको बाद ना आप एक रफ नोटबुक जो घर पे हमारी पुरानी पड़ी होती है उस पे आप राइट करके देख सकते हो। फिर आपने अच्छे से दोनों क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। ओके बेटा, तो कल की क्लास में हम इसका जो है ऑरल टेस्ट लेंगे। ओके बेटा, सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न करके आना है। हरलीन कौर, यस बेटा, अपनी वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो हरलीन। हाँ जी, मैम क्वेश्चन आंसर भी करना हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करने हैं, और साथ में कीवर्ड्स। ओके बेटा, जिस मैम जिसको फोर्थ नहीं करना, मैम फोर्थ थर्ड नहीं, नहीं बेटा, सिर्फ दो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के। ओके ठीक है बेटा, तो प्रिया अनम्यूट करो बेटा। मैम बेटा मैंने क्या होमवर्क बताया अभी आपको? क्वेश्चन आंसर, मैम टू, मैम एंड कीवर्ड्स। ओके, सारे कीवर्ड्स एंड 1 एंड 2 क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, अच्छे से लर्न करने हैं सभी बच्चों ने। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो आपने राइट करके देख लेना है। हाँ जी निहारिका बेटा बोलिए, आपने कुछ कुछ पूछना है, अनम्यूट कीजिए। मैम हमने तो सारे क्वेश्चन एंड कीवर्ड मैम लिख के देख रखे हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने अच्छे से याद करनी है। गुड बेटा, जो बच्चे हैं ना, हरलीन कौर, तनवीर, गुरकीरत, अनमोल दीप, रहमत, अरमान दीप, परनीत, हरगुन, ये सभी बच्चों ने ना अभी अपनी वीडियो नहीं ऑन की। बेटा वीडियो ऑन करो। यस, अरमान, अरमान दीप, बेटा होमवर्क क्या है आपको पता चल गया? मैम यस ओके, तो सभी बच्चों को अपना होमवर्क पता चल गया है। तो बाकी जो है आपकी सभी की टर्न आएगी कल की क्लास में, अपने अच्छे से लर्न करके आना है। करके आओगे ना? प्रॉमिस, मैम यस प्रॉमिस करते हो ना सभी बच्चे? थम्स अप करो जो जो प्रॉमिस करते हो कि कल की क्लास में अच्छे से लर्न करके आएंगे। ओके, थम्स अप किया है पुष्पिंदर ने, इशिका ने, प्रिया ने, निहारिका, रहमत, तनवीर, अरमानदीप, हरगुन, शाबाश, गुरकीरत। अरे भाई, बाकियों ने क्यों नहीं किया बिट्टा थम्स अप? जिस कारण टेस्ट नहीं करना आपने, थम्स अप करो। ऐसे ना आप अपने कैमरे के सामने ऐसे अंगूठा कर सकते हो, ऐसे थम्स अप कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा। शाबाश, ओके, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, है ना? बोलो अपने आप को, आई एम ब्रिलियंट। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ठीक है, तो सभी बच्चों को मजा आया क्लास लगा के? अच्छा, कैसा लगा आपको क्लास लगा के? अनम्यूट करो। मैम हाँ जी, अच्छा ओके, लगा, बहुत अच्छा लगा, शाबाश। कौन ठीक सा है, होगा?
तो बेटा आपने क्या करना है, अगर आप कल की क्लास में ना मुझे सारे कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर सुनाओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है बेटा? बेटा चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है, उसके कीवर्ड्स हैं सारे, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करनी है, ठीक है बेटा? अब किसकी लगेगी बेटा आपके ग्रुप में ना, क्लास? आपके ग्रुप में जो है वो 1 मिनट, 1 मिनट मैं अभी बताती हूँ आपको कब कब कौन सी क्लास लगेगी। 1 मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपके क्लास ग्रुप में आपका जो सिलेबस है वो पहुंचा दिया गया है, रात आपको मैसेज कर दिया था। आपने वहां पे जाके ना एक नोटबुक पे अपना टाइम टेबल नोट कर लेना है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, ठीक है बेटा? आपके जो क्लास का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हम लिंक भेजते हैं, तो वहां पे आपका टाइम टेबल आया हुआ है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करके अपनी सारी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो नोट कर लेना है कॉपी पे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम देख लेना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस हैं जो लगेंगी। ओके क्लास, ठीक है बेटा? तो बाकी की जो क्लास है वो हम कल की क्लास में आपका जो ऑरल टेस्ट लेंगे, ठीक है बच्चे? यू आर ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।